आज हमारे ट्रिप का थर्ड डे और जंगल से तो हम होके वापस आ गए थे घर। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि गाड़ी का ऑयल भी चेंज कराना है हमने, क्योंकि पिछले ट्रिप में भी चल चुका है और इस ट्रिप में भी। तो अब फिलहाल अभी हम जा रहे हैं ऑयल चेंज करवाने गाड़ी का, और टोटाची इसमें ऑयल डालेंगे। अभी यहाँ पे आ गए हैं, एरियाज तो नहीं पता लेकिन बस ऑयल चेंज कराने जा रहे हैं, इतना पता। रिंग रोड पर ही है टोटाची का आउटलेट, जहाँ से हम इस दफा इसमें टोटाची चेक करेंगे। बिल्कुल इसमें डाल के चेक करेंगे और अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं गाड़ी को चेंज। हाँ जी, जवाब सीधा। जी जी सीधा, ये फ्लाईओवर के ऊपर से। हाँ बिल्कुल। एक सेकंड हटिएगा, खुला खुल गया, एक सेकंड छोड़िएगा। पाकिस्तानी गाड़ियाँ, पाकिस्तानी कार्स के प्रॉब्लम्स। नहीं खुला, बोनेट नहीं खुल रहा। यहाँ से तो वो ऐसे कर रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा। ये वाला है ना, नहीं ये थोड़ा सा ना जाम हो रहा था, हमने कहा कराची की वजह से हो रहा होगा, इसको थोड़ा सा बस ऐसे करते थे तो ये खुल जाता था। ये बंद हो गया दोबारा, खींचते हुए टंग टंग की आवाज आई, बंद हो गया। नहीं नहीं ठहरो, हाँ 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 ये एक सेकंड, एक सेकंड। नहीं ये लग रहा है जैसे केबल आगे आ गई हो, ये इसके लॉक से निकल के ना। यार अभी यहाँ पे हम लोग आए हुए टोटाची एक्सप्रेस की उपना ऑयल, जिनके सुना है काफ़ी अच्छी होती है, हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा इनका ऑयल डाल के, लेकिन ये है कि ऑयल अभी इनका हम डाल रहे हैं। यहाँ पर डालेंगे ऑयल तो फिर चेक करेंगे कि गाड़ी क्या परफॉर्मेंस देती है उस पर। यहाँ पे सीन ये हुआ है कि अभी आए हैं, ऑयल वगैरह लिए हैं इधर ना,
तो ऑयल वगैरह लेने के बाद भाई, अब जब ऑयल चेंज करने की बारी आई है तो गाड़ी हमने यहाँ पे इस तरह लगा दी है। अब लगाने के बाद गाड़ी का बोनट खोल रहे हैं तो बोनट नहीं खुल रहा। नीचे से जो बटन होता है ना बोनट खोलने का, वो बटन जो है उसको खींच रहे हैं तो वो बोनट ही नहीं खोल रहा है। बोनट को भी मार के देख लिया, बटन भी चेक कर लिया। मतलब आप ये देखें मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी टोयोटा वालों की देखें। खुल गया? कैसे खुला? चलो मैं आता हूँ, वीडियो बना रहा था। तो मैं ये कह रहा था कि यार मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी आप ज़रा बस देखें कि 21 मॉडल गाड़ी है, मेरे ख्याल में जनवरी या फरवरी की गाड़ी है। बने हुए गाड़ी को अभी 6-7 महीने हुए, ठीक है। और आप मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी देखें ज़रा टोयोटा वालों की, कि इनका बोनट नहीं खुल रहा है भाई। मतलब क्या यार, क्या हरकत है। ना कोई गाड़ी में मॉडिफिकेशन हुई भी है, ना कुछ हुआ हुआ है बोनट रिलेटेड कि गाड़ी कुछ करे। इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और ये हरकतें हैं इनकी कसम से। क्या यार, क्या टोयोटा। बस ये इधर से निकला हुआ था ना। हाँ, अभी इसको बस इसी तरह छोड़ दो, अगर जरूरत पड़ा तो ऐसे प्लास से पकड़ के बस बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फिर तो ये तो कराची जाकर भी हो सकता है, से जल्दी पुलता है। बस तार थोड़ा सा इधर से पकड़े, बस मैं समझ गया समझ गया। बस इधर से पकड़ के ऐसे प्लास, ठीक है ठीक है, निकल जाए। और ये चीज इधर, ये संभाल लेंगे ये चीज ना। अभी चलते हुए उनसे वैसे पूछ भी ले। कहना ये प्रोडाची का जो ऑयल है, आप कोई क्या कहते हैं यूट्यूबर वगैरह पर ही डालते हैं, जब वो तो ड्रेन हो रहा है ना। अब आप कट कर लेंगे, फिर ऑयल लिया है तो हमारे यहाँ जो बिलिंग वगैरह करते हैं हम ज़्यादा उस पर नहीं जाते हैं, फिक्स रेट्स रखते हैं अक्रॉस पाकिस्तान हम उससे रखते हैं। तो फिर मैंने उससे कहा यार, वो यहाँ पे आके लड़कों को बेचारे यहाँ पे काम कर रहे हैं सही, वो हम होते नहीं थे, वो उसको प्रेशराइज कर देते हैं कम से कम। मैंने कहा ये इसलिए ना करें कि हम ऑलरेडी बिलिंग में कराची से मुझे कॉल आई थी, किसी ने उसको और फिर 6 महीने बाद जब यहाँ आया मेरी एवरेज 18 से 5 है। तो मैंने जब 6,000 किलोमीटर पे उसको वो एवरेज को फाइनेंशियल में कन्वर्ट किया, यहाँ पे उसने लड़कों को खपत किया था बल्कि 350 रुपये, और जो मैंने उसकी कैलकुलेशन कर दी थी 37,500 रुपये। इतना तो कम अज़ कम बंदा फुल कहते हैं, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैंने कहा यार ये इंसान ऑयल अभी हम गाड़ी में डाल रहे हैं बेटा, मिट्टी लगी है ना, कर लेना। तो वो जब मैकेनिक में होगा तो किस लेवल का निकलेगा, फिर हम उसी से जाके पूछते हैं कि गाड़ी में कौन सा ऑयल डालें। बिल्कुल सही, उसको तो क्या कहते हैं वो तो बाय क्वालिफिकेशन तो एक्सपीरियंस वो नहीं है मैकेनिक, बस वो एक चीज़ होती है जी पाकिस्तान के लिए नहीं है जापान के लिए है, आप ये डालो बस। अब एक दोस्त ने इसी तरह हुआ ना, वो लाहौर में था, उसने अपनी ये फॉर्च्यूनर डीजल में उसने वही 15-40 डाल ली है, कहता है यार गाड़ी तो बिल्कुल ऐसे हो गई है, उसका मजा ही कुछ नहीं। मैंने कहा यार जो हमारे पास यहाँ पे हाइब्रिड गाड़ी आती है और जब उनसे पूछते हैं कि कौन से ग्रेड डाल दिए, ये तो फिर डीजल का पेट्रोल ऐसा नहीं, इसका चार्ज आएगा। मैं उनसे कहता हूँ मैं यहाँ पे एक डीजल आई थी उससे जो पूछा तो उसने यही कहा, फिर मैंने सोचा कि आप बाय ना करें लेकिन आपकी गाड़ी बाहर से डीजल है लेकिन इसको चलाने में आपको ये फील होगा जैसे और मैंने उस बने ने वो बात एक्सेप्ट भी की, थोड़ा उसको माइंड भी किया, कहता मेरी गाड़ी को ऑल्टर
मैंने फिजिकली बात नहीं की, मैं चलाना है बिलीव मी, हमने उसका ऑयल जब चेंज किया और रोड पे अभी मैं पैसेंजर चला रहा हूँ, अभी मैं चला रहा हूँ। इसमें आधा लीटर ज्यादा आता है जी। ये कितना एक लीटर का है? चार और एक पांच रुपए। ऑयल हमने चेंज करा लिया है। ये जो है ना असल में इसकी लीड ख़राब है तार इसकी ना, तो इसलिए बस हमने इसको अभी निकाल दिया है। और ये जो इस तरह का बटन होता है ये हमने निकाल दिया है। माइलेज गाड़ी की पता नहीं क्या है, देखिए इधर नहीं दिखेगी, दरवाज़ा जब तक खुला रहेगा, अंदर बैठ गया तो दरवाज़ा बंद करें। 9791 अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि बटन उन्होंने यहाँ से लगाया हुआ था ना, जो वो निकाल दिया है, तो बेसिकली ये तार ख़राब है। तार हमें करानी पड़ी कि चेंज, अभी अगर हमें कहीं भी बोनेट खोलना पड़ता है तो हम यहाँ से इस तार को पकड़ेंगे और ये तार जो है ना, ये जो ये वाली है इसको हम प्लास से खींच देंगे, ये वाली तार, तो ये बोनेट खुल जाएगा गाड़ी का। ये अभी देसी जुगाड़ फ़िलहाल हमने कर दिया इसका ना, क्योंकि भाई टोयोटा है। आप ये देखें किस मॉडल गाड़ी का बोनेट प्लास से खुल रहा है, ये इनकी हरकतें टोयोटा वालों की। टोयोटा शेम ऑन यू, ये वाली हरकतें इनकी वायरल, जिसे कहते हैं भाई। अभी हमने पता करा था यहाँ पर ना लोकल से कि यहाँ पे आस इधर ये करीब में ही है टोयोटा, टोयोटा मेरे ख्याल में पेशावर के ही हैं, तो हमने सोचा कि वहाँ पर गाड़ी दिखा देते हैं, वहाँ से करवा लेते हैं ना सही। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ये भी चोर ही हैं टोयोटा वाले यहाँ के, तो भाई अभी यहाँ से भी नहीं करवाएंगे हम, ठीक है ना। अब हम इसको ऐसे ही चलने देंगे और इंशाल्लाह कराची जाके इसको वापस कराएंगे। हरकतें हैं भाई टोयोटा वालों की।